देखेंगे डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1997 की एलेबल गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट ऑन डिटेंशन के दौरान। ठीक है, 1 मिनट, अरेस्ट और डिटेंशन के दौरान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस 11 गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, किसको, पुलिस को, क्योंकि हर गाइडलाइन के बाद मैं बताऊंगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, उसके पीछे पुलिस वालों की क्या मंशा है जिसको रैप अप आउट करना था उसको सुप्रीम कोर्ट को। और इसी गाइडलाइन में आपको 41B, 41C, 41D और 50A, ठीक है, ये आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला भी जो गाइडलाइन इसके, ये चार सेक्शन सीआरपीसी के इसी गाइडलाइन में ऐड होंगे। गाइडलाइन नंबर 1, ये कह रहा है कि अरेस्ट ऑन हैंडलिंग ऑफ इंट्रोगेशन करते समय, ठीक है, मतलब इंट्रोगेशन मतलब अरेस्ट करते समय एंड इंट्रोगेशन करते समय कि मतलब कौन रूम में घुसा कौन गया, उसकी पहली कंडीशन कि उसका नेम प्लेट, नेम प्लेट और नेम बैच, मतलब जो नाम लिखा है नेम प्लेट क्लियर होना चाहिए ताकि ये देख सके कौन कूट के उसको चला गया, वो पता चले बाद में नाम नहीं बता पा रहा। मस्ट बी हिज नेम बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, ठीक है, और ये जो नेम है कि कौन गया है इंट्रोगेशन करने अरेस्टी से, अरेस्टी के साथ या डिटेंशन वाले के साथ, वो किसी रजिस्टर में जरूर होना चाहिए मेंशन। ये सब इसलिए कि मान लीजिए कोई लॉकअप में घुसा और उसको कूट के चला गया, बाद में पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम नहीं देखे कौन गया था, ठीक है, अब उसके पीछे कर ही कह सकते हो, तो इसलिए ये प्रिवेंशन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये है पहली गाइडलाइन। आते हैं सेकंड पे, सेकंड गाइडलाइन 41B ही है, ठीक है, जो सीआरपीसी में 41B है वहीं इसकी सेकंड गाइडलाइन है डी के बसों की, उसमें कह रहा है ड्यूरिंग अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट के दौरान किसी के घर गए अरेस्ट करने, ठीक, मेमो बनाओगे, उस मेमो में किसके किसके साइन लोगे, आइदर किसी, आइदर उसी घर वाले की मेंबर, आइदर मेंबर फैमिली, ठीक है, और रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ लोकेलिटी, इसकी साइन लोगे, और इसके अलावा, ठीक है, सेल काउंटर साइन लिखा हुआ है, जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसकी भी काउंटर साइन लोगे ऑफ अरेस्टी विथ डेट एंड टाइम। ठीक है, ये सीआरपीसी की 41B में इसका जिक्र है। आ जाइए गाइडलाइन नंबर 3 पे, इन्फॉर्म वन फ्रेंड एंड रिलेटिव, ठीक है, इन्फॉर्म वन फ्रेंड और रिलेटिव, ये 50A में है, ठीक है। फोर्थ आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रिकॉर्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, फोर्थ है कि टाइम वेन्यू ऑफ अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ कस्टडी, आपको ये बताना है, कहाँ बताना है मैं अभी बता देता हूँ, इसको नोटिफाई करना है पुलिस द्वारा कि क्या टाइम था अरेस्ट का, ठीक है, प्लेस ऑफ अरेस्ट कहाँ से अरेस्ट किया है आपने, बाजार में से किया है, घर से किया है, कहाँ से किया है, और वेन्यू ऑफ कस्टडी, अभी आप कहाँ रखे हो उसके। ये जितनी गाइडलाइन है सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के सीआरपीसी के गलत यूज का इस्तेमाल है, ठीक है, नोटिफाई बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और ये नोटिफाई भी करेगी पुलिस और उसके फ्रेंड को भी बताएगी, ठीक है, और ये बताएगी कब, 8 to 12 आवर के अंदर। ऐसा नहीं है कि ले गई कूट रही हो मार रही हो और नोटिफाई नहीं कर रही हो, ठीक है, ये फोर्थ गाइडलाइन है डीके बसों की। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ गाइडलाइन है एंट्री मस्ट बी मेड इन द
डायरी एट प्लेस ऑफ डिटेंशन, मतलब डायरी में ही आपको, पुलिस डायरी में इसको एंट्री करना होगा, और एंट्री पुलिस स्टेशन आके नहीं करना होगा, प्लेस ऑफ डिटेंशन पे ही करना होगा। देखिए कितना प्रोटेक्शन लगा रहे सुप्रीम कोर्ट कि इसको आप प्लेस ऑफ डिटेंशन पे ही एंट्री करेंगे, कि क्या आपने उठाया, उसका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, प्लेस क्या है, हम कहाँ से उसको कस्टडी में ले रहे हैं वगैरह वगैरह, ये प्लेस ऑफ डिटेंशन पे ही करना है, पुलिस स्टेशन आके नहीं करना है। ठीक है, डिटेंशन और डिस्क्लोज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ हु ऑफिसर अरेस्ट यू, ठीक है। और क्या करना है कि नेक्स्ट फ्रेंड को जब आप बताओगे, ठीक है, जब अरेस्टी बताएगा अपने नेक्स्ट फ्रेंड को कि मुझे अरेस्ट किया गया है, तो वो जरूर ये बताएगा कि हु फ्रेंड, हु ऑफिसर, ऑफिसर का नाम, हु ऑफिसर अरेस्ट यू। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिना नेम प्लेट की पुलिस गई हो, अरेस्ट करके ले आई हो, ताकि और फिर कोर्ट काट के फेंक दी हो, तो आप जान ही नहीं पाओ कि कौन अरेस्ट किया आपको, क्या किया। ये सब गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, पुलिस कितनी फॉलो करती है मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त लॉयर जो भी हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन मेमो 7 नंबर है, सॉरी 7 नंबर है, इंस्पेक्शन मेमो, एक इंस्पेक्शन मेमो बनाएगी पुलिस कब, एट टाइम ऑफ अरेस्ट। देख रहे हैं, डायरी में तो एंट्री करेगी, इंस्पेक्शन मेमो बनाएगी एट टाइम ऑफ अरेस्ट, ठीक है, और इसकी कॉपी देगी एक अरेस्टी को, इसकी कॉपी भी दी जाएगी अरेस्टी को। ठीक है, और उस इंस्पेक्शन मेमो में माइनर इंजरी, देख रहे हो आप, माइनर इंजरी एंड मेजर इंजरी, इसका जिक्र होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरेस्ट करके ले आई उसको बाद में मारी, मतलब ये प्रूफ करता है कि जिस समय अरेस्ट किया गया था उसके शरीर पे एक भी घाव नहीं थी या एक दो घाव थे, ताकि बाद में यदि कुछ हो मेडिकल तो पता चले, पुलिस ये ना कह सके कि ये घाव पहले से थे, अरेस्ट के पहले से थे। ठीक है, ये इसलिए किया गया। और इसके बाद हम आ जाते हैं 8th पे, गाइडलाइन नंबर 8th। ठीक, 8th क्या कहता है, 8th कहता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कब, एवरी 48 आवर, मतलब आप उसको कंटिन्यूअस कूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, बस उसका हर 2 दिन पे कंटिन्यूअस, यदि वो आपके डिटेंशन में है या अरेस्ट में है, तो कंटिन्यूअस मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। 9 नंबर, कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, सेंड टू इलाका मजिस्ट्रेट, इलाका और एरिया मजिस्ट्रेट। ठीक है, याद रखिएगा ये मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, नॉट ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, 10th, 10th जो है 41D है मेंशन। ठीक है, अब मीट उसको लॉयर दिया जाएगा, मीट द लॉयर ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। ठीक है, और लास्ट है गाइडलाइन डी के बसों की, जो भी होगा ये पुलिस, इस एक हेडक्वार्टर होगा पुलिस कंट्रोल रूम, वहां ये सब डिस्प्ले किया जाएगा। ये 41C है सीआरपीसी का, इसमें दिया हुआ है कि किसको उठाया गया, कौन ऑफिसर उठाया, उसका नाम क्या है, किस प्लेस से उठाया, उसको कहाँ रखा गया है, ठीक है, वगैरह वगैरह, पुलिस कंट्रोल रूम में एवरी चीज जो है डिस्प्ले रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट एंड डिटेंशन की गाइडलाइन बनाई है, और पुलिस थोड़ी बहुत फॉलो भी करती है, और जब उसका मन करता है तो आप लोग समझदारी है।